बरेली में आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के रोड शो के दौरान हंगामा हुआ। यहां राहुल के कमांडोज और पार्टी नेता के बीच मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी बरेली में रोड शो कर रहे थे, इसी बीच कांग्रेस के पूर्व मेयर प्रत्याशी अमजद सलीम उनका स्वागत करने पहुंचे। इस दौरान एसपीजी ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो दोनों उलझ गए। देखते ही देखते दोनों में मारपीट होने लगी। एसपीजी और कांग्रेस नेता में झगड़ा होता देख राहुल गांधी ने बीच बचाव किया। राहुल के समझाने पर दोनों शांत हुए। वहीं इस दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने हर किसी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए डालने का वायदा किया था। उन्होंने देश के बड़े उद्योगपतियों का 1,10,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया, लेकिन मोदी सरकार किसानों और गरीबों के लिए काम नहीं कर रही है। राहुल गांधी जहां किसान यात्रा के जरिए जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं उनकी यात्रा अन्य वजहों से विवादों में फंस जाती है। कभी उनकी पंचायत से खाट चोरी हो जाती है, तो कभी जूता कांड, और अब राहुल के सामने मारपीट। देखते रहिए डीबी लाइव।